ईश्वरी जगत जननी प्रभु माता की जय। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मनुदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री बाणी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त प्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवाच्छा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महति। भारतवर्ष में जन्म हुआ, भगवान की अहम की कृपा से हम सबको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति का एकमात्र फल है भगवत प्राप्ति। हम लोग कोई भी साधन करते हैं, ये बात कही जाती है पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के द्वारा, सिद्धि के निमित्त। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि मनुष्य शरीर से होती है। इसमें मुख्य चरम पुरुषार्थ मोक्ष ही है, संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करें। भगवत प्राप्ति की जो एक उपासना पद्धति है, उस उपासना पद्धति को ही शास्त्रों के उपासना पद्धति को ही शास्त्रों में दीक्षा कहा। हम इस उपासना की पद्धति का आश्रय लेकर इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान की ओर आगे बढ़ सकें, भगवान को प्राप्त कर सकें। भगवत शरणागति का दीक्षा ग्रहण, भगवान की प्राप्ति का अधिकार अपने परम कल्याण का अधिकार सृष्टि के सभी प्राणियों को है। मनुष्य मात्र आत्म कल्याण कर सकता है, उसमें वर्ण भेद नहीं है। ब्राह्मण का कल्याण होगा, चांडाल का कल्याण नहीं होगा, जो भजन करेगा उसका कल्याण होगा। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, विप्रात विषट गुणयुता अरविंद नाभ पादार बिंद विरूपात स्वच्छम परिचम मन्ये तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राण पुनात सकुलम नतुभूरि मानव। परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, मन्ये कौन कौन बारह गुण है। मन्ये धनाजन रूप तप श्रुतौ यस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। यद्यपि ये बारह गुण किसी एक व्यक्ति में संभव नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा हो जाए कि बारहों गुण किसी में आ जाएं। बारह गुण तो समझ गए ना, सुन लिया आप लोगों ने बारह गुण कौन कौन। मन्ये धनाभिजन, सबसे पहला है धन। आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति धनवान हो। और सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति, कहावत है। कथंचित कोई श्रीमंत भी हो, अभिजन हो, अर्थात धनवान होने के बाद भी कई बार लोगों की बड़ी अपकीर्ति होती है, पर उसकी सब प्रशंसा करने वाले हों। तीसरा गुण है रूपवान हो। मन्ये धनाभिजन रूप तप, तपस्या हो। अब रूप होगा तो तपस्या नहीं होगी, तपस्या होगी तो रूप नहीं होगा। लेकिन रूप भी हो, तपस्या भी हो, दंडवत महाराज, ओज भी हो,
तेज भी हो, प्रभाव भी हो, बल भी हो, पौरुष भी हो, बुद्धि भी हो और योग भी हो, सारे गुण किसी एक व्यक्ति में हो, वह व्यक्ति ब्राह्मण हो, किंतु इतने गुणों से युक्त होने के बाद भी यदि वह भगवान के चरण कमलों की शरणागति से विमुख है, भगवत चरणारविंद से विमुख है, तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा सर्वतोभावेन समर्पित शरणागत वह स्वपद श्रेष्ठ है, चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचनः तत अर्पित मनोवचनः, भगवान के चरणों में जिसने अपने मन का अर्पण कर दिया है, वाणी का अर्पण कर दिया है, शरीर का अर्पण कर दिया है, ऐसा वह चांडाल भगवान की भक्ति की महिमा से अपने कुल को पवित्र कर लेगा, स्वयं को भी पवित्र कर लेगा, किंतु भक्ति शून्य कुलीन व्यक्ति अपने को भी पवित्र नहीं कर पाएगा, अपने कुल को भी पवित्र नहीं कर पाएगा। फिर भगवत कृपा से किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हो जाए तब तो क्या कहना, भगवान की सर्वोपरि कृपा है। चांडाल भी भगवान की कृपा, भगवान की उपासना से उसका कल्याण हो जाता है, तो किम पुनर अत्यंत श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए भगवान की भक्ति करने का, भजन करने का अधिकार सभी प्राणियों को है। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में हम भी प्रमाण नहीं हैं, कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति भी प्रमाण नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, शास्त्र के निर्देश का हमें यथावत पालन करना चाहिए, यही बात है। भगवान के शरण में जाने वाले जीव को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। शरणागति के छह अंग हैं, उनमें पहला अंग है आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम्, तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्यम् षड्विधा शरणागतिः। ये छह प्रकार की शरणागति है। आप सब भगवत शरणागत हो रहे हैं तो आपको सबसे पहला निश्चय यह करना है कि जो भगवान के अनुकूल होगा वही हम करेंगे। भगवान के अनुकूल क्या है? वेद भगवान का स्वरूप है, वेदो नारायण साक्षात, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, श्रुति स्मृति भगवान की ही आज्ञा है। अर्थात जिसका जीवन वेदानुकूल होगा वही भगवान को प्रसन्न करने वाला होगा। हम मनमाना आचरण न करें, शास्त्रोक्त आचरण ही करें। हरिगुरु संतों के सिद्धांत के विरुद्ध जो है, आचरण के जो विरुद्ध है, वो हम न करें। इसलिए शरणागत को आहार शुद्धि रखनी चाहिए। जो भगवान को, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को हम किसी भी प्रकार से आहार के रूप में ग्रहण न करें। शुद्ध सात्विक पवित्र आहार ग्रहण करें, भगवान को निवेदित करके प्रसाद रूप में उसको पावें। सर्वथा व्यसनों का त्याग करें, ऊर्ध पुंड तिलक श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, विश्वासपूर्वक अपने मस्तक पर बिना किसी संकोच के धारण करें। तुलसी की कंठी सदा सर्वदा अपने कंठ में धारण करें। कभी तुलसी से रिक्त कंठ हो जाए तो जब तक दूसरी तुलसी धारण न कर लें तब तक अन्न जल ग्रहण न करें। नित्य तुलसी में जल चढ़ावें और तुलसी से भगवत प्रेम की याचना करें। नित्य जगन्नाथ जी का निर्माल्य लें, भगवान का चरणामृत लें, ब्रजरज का एक कण अपने मुख में रखें। ये सब जीवों के कल्याण के साधन हैं। यही है आनुकूल्यस्य संकल्पः। एकादशी का व्रत करें, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि जो पवित्र व्रत हैं उन्हें तो करना ही चाहिए। जो भगवान के व्यवहार विरुद्ध है, प्रतिकूल है, उसका हम त्याग करें, माने निषिद्ध आचरणों का त्याग करें।
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासः। शरणागति का तीसरा अंग है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास मन में रहा। गोपतृत्वे वर्णम तथा चौथा अंग है गोपतृत्व वर्ण। गोपतृत्व वर्ण का अर्थ होता है जैसे पतिव्रता नारी अपना संपूर्ण समर्पण अपने पति के चरणों में करती है, हृदय से उसका वर्ण कर लेती है, उससे किसी भी प्रकार का छिपाव दुराव छल कपट नहीं रखती, ठीक इसी प्रकार से पतिव्रता नारी के समान हम भगवान का वर्ण कर लें। आत्मनिक्षेप अपना तन मन प्राण सर्वस्व भगवान का है ऐसा स्वीकार कर लें, ये आत्मनिक्षेप। और ये सब करने के बाद अंतिम अंग है उसका शरणागति का कार्पण्यम। इतना सब होने के बाद भी हमारे मन में अहंकार नहीं आवे, हमेशा दीनता की भावना बनी रहे, दासानुदास अपने को मानता रहे। तो इस प्रकार से ये छह अंग हैं शरणागति के, इनका श्रद्धापूर्वक पालन करना, श्री राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं करना, श्री राम कृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं करना, दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है, ब्राह्मण का सदा आदर करना, ब्राह्मण की कभी निंदा नहीं करना, ब्राह्मण दोषयुक्त भी है तो भी हम उसकी निंदा न करें क्योंकि वह अपने निषिद्ध आचरण का परिणाम स्वयं भुगतेगा, हम ब्राह्मण की निंदा क्यों करें, ब्राह्मण निंदा से बचें। साधु निंदा न करें, ब्राह्मण निंदा न करें, गौ ब्राह्मण संत इनके प्रति भगवत भाव रखें, इनका आदर करें, माता पिता का आदर करें, माताएं सास ससुर का आदर करें, पति में भगवत भाव रखें। देखो सनातन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को नकारने के बाद यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सनातन धर्म के मूल सिद्धांत वो आधारशिला हैं वैष्णव धर्म की, ऐसा मानकर हमें व्यवहार करना चाहिए। कल तो थोड़ा प्रवचन लंबा हो गया था, आज लंबा नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग कहते हैं कि फिर बहुत से लोग भूखे प्यासे भी रहते हैं और लोगों को कई लोगों को जाना भी होता है और हमको भी समय तो पर्याप्त, आप लोग तो काम हुआ और आप गए और हमको तो बैठना पड़ेगा ड्यूटी में, इसलिए सब लोगों की बात व्यवस्थापकों की बात हमको भी माननी चाहिए। इस दृष्टि से आज बहुत लंबा प्रवचन न करके इतना ही समझ लीजिए और आपसे हमारा निजी कोई स्वार्थ न आज है न आगे भविष्य में है, कभी नहीं है, बस इतना ही है कि आप सबका परम कल्याण हो, आप सबका यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, आप सबको इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होवे, ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि आपकी दीक्षा सफल हो गई। देखो दीक्षा में जो संकल्प कराया गया तो संकल्प में क्या कहा गया, यही कहा गया कि मम जन्म मरण भवरोगादि निवृत्त्यर्थम, जन्म मरणादि रूप भवरोग हमारा मिट जाए, मम जन्म मरण भवरोगादि निवृत्त्यर्थम प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, इसी जन्म में संज्ञान पूर्वक भगवत साक्षात्कार हो और संपूर्ण जीवन गौ ब्राह्मण संत भगवत भागवत गोविप्र साधु कैंकर्य में व्यतीत हो, यही दीक्षा का प्रयोजन है और कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, बस इतनी सी बात है। बहुत से लोग मंत्र का जप पूरा संख्या पूर्वक नहीं कर पाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। दीक्षा के बाद मंत्र जप पूरी प्रतिज्ञा पूर्वक निष्ठा पूर्वक नित्य अवश्य करना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा तो नियम बताया नहीं है, केवल 21 माला का नियम है और उसको पूर्ण करने में अधिक से अधिक आधा घंटा लगता है, तो ईमानदारी से भगवान के लिए हम आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते हैं क्या? अवश्य निकाल सकते हैं। 10 माला मूल मंत्र का जप, 4 माला जप गोरक्षा के लिए, तो 10 और 4 14 हो गया,
पांच माला जप श्री श्री जी के मंत्र का, जानकी जी के मंत्र का, तो कितना हो गया, 19 हो गया। और एक माला शरणागति मंत्र, एक माला चरम मंत्र, इस प्रकार से 21 माला है, छोटे छोटे मंत्र हैं और इनको बड़ी श्रद्धा पूर्वक जपना चाहिए। मंत्रार्थ की भी बड़ी महिमा है, लेकिन मंत्र जब बड़ी संख्या में होने के बाद जब विशेष मंत्रार्थ की जिज्ञासा होती है तब मंत्रार्थ अधिकारी को मंत्रार्थ दिया जाता है। और वैसे मंत्र जप करते करते मंत्र स्वयं ही अपने स्वरूप को अंतःकरण में प्रकाशित कर देता है। वो जो मंत्रार्थ है ना, जो जपते जपते मंत्रार्थ प्रकट होगा, वो वास्तविक मंत्रार्थ है। तो ये बात समझना, तो आज से नियम पूरा करना, ऐसा नहीं कि अब आज ले लिया फिर धीरे धीरे मंत्र याद करेंगे तब कल से नियम पूरा करेंगे। बहुत से लोग तिलक भी नहीं लगाते, तुलसी भी नहीं बांधते, फिर मन में ऐसा विचार हुआ तो एक ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है कि कई लोग माला लेके आते, अब वो झाऊ की निकलती है या लकड़ी की निकलती है, तो उनके भैया लोग विश्वास पूर्वक लेते हैं फिर भी माला ठीक नहीं होती है। तो नित्य नियम की एक सामग्री जिसमें दर्पण, तिलक और तुलसी की माला, आसन, ये सब कल ही मैंने धनंजय दास जी को कह करके, मैंने कहा भाई लोग नित्य नियम कर नहीं पाते हैं तो अपनी तरफ से तो काम पूरा हो जाए, तो जिसको आवश्यक हो नित्य नियम के लिए वो कार्यालय से, कार्यालय में है ना व्यवस्था, कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें कोई लाभ, कोई दुकान नहीं है बनिया की कि उसमें मुनाफा कमाया जा रहा हो, ऐसा अपने मन में नहीं सोचना कि दुकान खोल के बैठे हैं। बाकी जो लोग ले सकते हैं वे वहाँ से लेवें, और जो लोग ऐसे हैं कि उनको लेने की सामर्थ्य ही नहीं है तो ऐसे लोग भी कार्यालय से और प्रसाद रूप में उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये ना हो कि भाई हम तो ले ही नहीं सकते, 100-200 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते और हम तो कैसे भजन करेंगे, तो पैसा के लिए आपका भजन बाधित नहीं होगा। और आपको आपका न तो एक रुपया कभी चाहिए और न एक मुट्ठी अन्न चाहिए आपसे, हैं न आपसे वस्त्र चाहिए, क्योंकि जिन भगवान के हम दासानुदास हैं वे भगवान विश्वम्भर हैं, इसलिए किसी मनुष्य का आश्रय नहीं है। बस इतनी सी प्रार्थना है, हमें आपसे आपका परम कल्याण चाहिए, आपका खूब कल्याण हो, आपका हित हो, आप श्रद्धापूर्वक वैष्णव धर्म का पालन करें और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का जप करें। नाम जप से मन पवित्र होता, अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण के पवित्र होने से वाणी पवित्र होती है और वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। ऐसा जो मानसिक नाम जप करते हैं यह ऐसे संतों का अनुभव है, तो वो आप चलते फिरते मानसिक नाम जप करें। और कोई काम बाधक नहीं है भगवान की भक्ति में, खेती व्यापार नौकरी जो भगवान ने दिया है वो करें, भगवान के निमित्त करें, ऐसा अपने मन में पक्का निश्चय करें। हरिशरणम हरिशरणम शुभम भूयात। श्री राम जय, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री सीताराम जी महाराज। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।